आज मैं आई हूँ उत्तराखंड के पांचवें धाम जागेश्वर मंदिर के दर्शन करने। उत्तराखंड के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जागेश्वर मंदिर। तो चलिए करते हैं जागेश्वर मंदिर के दर्शन और जानते हैं इससे जुड़ी कई रोचक बातें। जागेश्वर धाम के दर्शन के लिए मैं पहले दिन ही पिथौरागढ़ से जागेश्वर में एक रिजॉर्ट पर आ गई थी। बहुत ही खूबसूरत होटल है, बाहर से अंदर से नॉर्मल है, लेकिन स्टाफ और जो बाकी लोग हैं बहुत अच्छे और पोलाइट है। और यहीं पे जागेश्वर इनके बगल में गवर्नमेंट का रिजॉर्ट है और जिसके बगल में पार्किंग है बड़ी सी, तो यहाँ पे यूजली जो है पार्क हो सकती हैं गाड़ियाँ। यहाँ से जागेश्वर धाम लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है, जिसे आप ट्रैकिंग करके भी कर सकते हैं या फिर अपनी गाड़ी से आए हैं तो गाड़ी से भी जा सकते हैं। अगले दिन सुबह 11 बजे मैं अपने होटल जागेश्वर इन से जागेश्वर धाम के लिए निकल गई। होटल से मंदिर तक जाने के लिए टैक्सी का भी ऑप्शन था, लेकिन उससे मैं मंदिर तक के रास्ते की खूबसूरती को कैमरे में कैद नहीं कर पाती, तो पूरा 3 किलोमीटर मैंने पैदल चलकर मंदिर पहुंचने का डिसाइड किया। तो मैं अभी आधे रास्ते तक आ गई हूँ, बस आधा ही रास्ता बचा है जागेश्वर धाम के लिए, तो चलिए जल्दी से चलते हैं। मॉनसून का टाइम था, लेकिन उस दिन धूप अच्छी निकली हुई थी तो रास्ता और सुहाना लग रहा था। कर चुकी हूँ और तभी मुझे नदी दिखाई दी जो मेरे साथ साथ ही जो है जागेश्वर धाम की तरफ जा रही है, तो चलिए चलते हैं हम भी। रास्ते में ही जागेश्वर हर्बल गार्डन भी है। तो ये है जागेश्वर हर्बल गार्डन जो कि जागेश्वर धाम जाते हुए ही बीच में पड़ता है। यहाँ तरह तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे कि इस पे लिखा है बड़ी इलायची, आंवला, ये सब। तरफ जाते हुए बीच में कई छोटे छोटे मंदिर पड़ते हैं, तो उन्हीं में से एक छोटा मंदिर ये है, तो मैं इसे देखने के लिए यहाँ पे रुक गई हूँ। अब जो है जागेश्वर धाम के पास के घर दिखने लग गए हैं, तो शायद मंदिर अब कहीं आसपास ही है, तो थोड़ी सी दूरी बची है, चलिए जल्दी से इसे तय करते हैं। जागेश्वर धाम के पास पहुंच के मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई। अभी तक का रास्ता बहुत साफ और हरा भरा था और रास्ते में जगह जगह साइन बोर्ड भी लगे हैं, जिससे कि यहां पहुंचने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अगर आप कहीं बाहर से यहां आते हैं तो मंदिर के आसपास ही काफी बजट होटल और रूम अवेलेबल हैं। साथ ही अगर आप होम स्टे पसंद करते हैं तो वो भी यहाँ इजीली अवेलेबल है। यहाँ एक मार्केट भी है जिसमें रेस्टोरेंट्स, ढाबे और एवरीडे यूज के एसेंशियल आइटम्स मिल जाते हैं। मार्केट के बीचों बीच जागेश्वर आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी है जो शाम के 5-6 बजे तक खुला रहता है और आप इजीली इसे देख सकते हैं। अब मैं मंदिर पहुंच गई थी। मंदिर में अंदर एंटर करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है, उसके बिना आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। उसके बाद जूते चप्पल उतारकर वहां हाथ धोने की फैसिलिटी और ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल है। वहां से नीचे कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद अब मंदिर शुरू हो जाते हैं। जागेश्वर मंदिर में 250 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है और इन मंदिरों का निर्माण बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। खास बात यह है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा बाल रूप में की जाती है
और यहाँ शिव को समर्पित 124 मंदिरों का समूह है। एक चीज जो मुझे मालूम नहीं थी वो यह कि इन मंदिर के दर्शनों का एक क्रम है, तो मुझसे इस चीज में थोड़ी गलती हो गई थी। सबसे पहले आपको ऊपर स्थित ब्रह्म कुंड में स्नान करना होता है, उसके बाद मुख्य द्वार से अंदर आकर ज्योतिर्लिंग जागेश्वर के दर्शन करने होते हैं, तीसरे नंबर पर आपको हनुमान मंदिर के दर्शन करने होते हैं, और फिर क्रम से नीलकंठ मंदिर, सूर्य मंदिर, नवग्रह मंदिर, पुष्टि माता मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, हवन कुंड, लकुलिश मंदिर, केदारनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, नवदुर्गा मंदिर और फिर कमल कुंड के दर्शन करने होते हैं। लेकिन अज्ञानता से मैं सबसे पहले कमल कुंड के दर्शन करने पहुंच गई। एक चीज़ जो काफ़ी लोग यहां आकर भूल जाते हैं वो है गेट से नीचे उतरकर जाट गंगा के दर्शन करना, पर ये गलती मैंने नहीं की, मैंने अपने दर्शनों की शुरुआत ही जाट गंगा से की। अभी इस गंगा में पानी ज़्यादा नहीं है तो आप आराम से किसी भी भाग में जा सकते हैं। ऋषि ने आकर तपस्या की थी। कहा जाता है कि इस मंदिर में मानी गई मन्नतें उसी रूप में पूरी हो जाती थी, लेकिन बाद में इन मन्नतों का दुरुपयोग होने लगा। 8वीं सदी में जब शंकराचार्य जी यहाँ आए तो उन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की और कहा कि सिर्फ यज्ञ और मंगलकारी कार्यों से ही मन्नतें पूरी हो सकती हैं। जब मैं वहाँ पहुँची तब हवन समाप्त हो चुका था और उस हवन कुंड से निकलती खुशबू उस माहौल को और पावन कर रही थी। वहाँ कई फैमिली अलग अलग ग्रुप में पूजा पाठ कर रहे थे। अब मैंने भी मंदिर को चारों तरफ से देखना स्टार्ट कर दिया। मुख्य ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर में ऑलरेडी काफ़ी लोग अंदर दर्शन कर रहे थे, तो मैंने दूसरी तरफ से मंदिर के दर्शन कर लिए। मुख्य मंदिर के बाईं तरफ अत्यंत सुंदर और अद्भुत डिजाइन का बना नंदा देवी मंदिर है, इसको नवदुर्गा मंदिर भी कहते हैं। दाहिनी तरफ श्री अन्नपूर्णा मंदिर है जिसकी संरचना नंदा देवी मंदिर से थोड़ी अलग है। इसके सामने श्री केदारनाथ मंदिर है जिसके सामने का हिस्सा लकड़ी का है। मंदिर परिसर के अंदर ही एक पुराना और विशालकाय पेड़ है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश ने भी यहां आकर यज्ञ का आयोजन किया था और जिसके लिए उन्होंने देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया। मान्यता ये भी है कि भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश ने ही इस मंदिर की स्थापना की। इसके निर्माण के विषय में कई कहानियां प्रचलित हैं। कई लोग मानते हैं कि इसे 8वीं से 10वीं शताब्दी में
कत्यूरी राजाओं ने बनाया था, जबकि कई अन्य लोगों के अनुसार इसे पांडवों ने बनाया था। मुख्य मंदिर के ठीक पीछे तांडेश्वर मंदिर है। इस मंदिर की दीवारों के पत्थरों पर उस समय की गई नक्काशी आपको हैरान कर देती है। ठीक उसके दाहिनी तरफ लकुनीश मंदिर है। पूजा पाठ के नियमों के अनुसार इस मंदिर के दर्शन आपको हवन कुंड के दर्शनों के ठीक बाद 10वें नंबर पर करने होते हैं, और इस मंदिर पर की गई नक्काशी भी तांडेश्वर मंदिर के समान ही अद्भुत थी। स्कंद पुराण के मानस खंड में जागेश्वर ज्योतिर्लिंग की व्याख्या की गई है। स्कंद पुराण के अनुसार 8वां ज्योतिर्लिंग नागेश दुरुक वन में स्थित है। दुरुक नाम देवदार वृक्ष पर आधारित है, जो इस मंदिर के चारों तरफ फैले हैं। यहाँ इन बड़े मंदिरों के बीच काफी छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जिनकी बनावट बड़े मंदिरों की तरह हैरान कर देने वाली है। मंदिर में घूमते घूमते मेरी मुलाकात श्री ज्योतिर्लिंग के प्रातः पुजारी जी से हुई, जो उस समय नीलकंठ मंदिर में थे। उन्होंने अंदर आकर पूजा पाठ करवाने का आग्रह किया। पूजा के बाद बाहर आने पर वो अपने बारे में बताने लगे। मैं चंद्रशेखर भट्ट, पुत्र स्वर्गीय श्री लीलाधर भट्ट कथावाचक, जो जिला सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार से कथावाचक थे, मैं उनका पुत्र हूँ। और मैंने शास्त्री की डिग्री श्री महादेवगिरी संस्कृत महाविद्यालय हल्द्वानी से की है, और मैं श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर का प्रातः पुजारी एवं भोग पुजारी भी हूँ, और साथ ही श्री नीलकंठ मंदिर का भी पुजारी हूँ। और मैं आप लोगों के भविष्य के लिए और समस्त भक्त लोगों के लिए कामना करता हूँ, आप आरोग्य रहें, सुखी रहें, दीर्घ रहें। उसके बाद नवग्रह मंदिर के दर्शन कर मैं आसपास के मंदिरों को देखने लगी। यह सब देखकर हम बस इस चीज की कल्पना ही कर सकते हैं कि इन सब का निर्माण करने वाले कारीगरों की इमेजिनेशन और तकनीकी कुशलता उस सदी में भी किस लेवल की होगी। मुख्य मंदिर से थोड़ी दूर ही दक्षिण मुखी श्री हनुमान मंदिर भी है। तीन किलोमीटर पैदल चलकर आने और दो घंटे मंदिर इधर उधर देखने के बाद अब मैं थक गई थी, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई। यहाँ के अधिकतर मंदिर उत्तर भारत के नागर शैली में बने हैं। इसमें बड़े मंदिर के शिखर पर लकड़ी की छत भी लगाई जाती है, जिसे लोकल लैंग्वेज में बिजौरा कहते हैं। मुख्य मंदिर के सामने के अंतिम छोर पर पुष्टि माता का मंदिर भी है। यह मंदिर पोषण की देवी को समर्पित है, और इस मंदिर में भी भक्तों की बहुत भीड़ होती है। यूं तो यहाँ साल भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सावन और महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर यहाँ जन सैलाब उमड़ता है। अब मेरी मुलाकात सूर्य मंदिर के पुजारी जी से हो गई। वो स्वभाव में अत्यंत सरल और सादगीपूर्ण लगे। अब वो मुझे इस मंदिर की हिस्ट्री बताने लगे। ओ, ये छोटे मंदिर जो है ये इधर से जाएंगे,
छोटे मंदिर जो है ये कचुरी काल में बने हैं। अच्छा। और 12वीं से 18वीं तक और दो पंडितों को लाए, एक तो लाए महाराष्ट्र से, हम ये मुख्य मंदिर के पुजारी है, बाड़िया रखते हैं, कल तक मेरी बाड़ी थी, आज उससे की है। अच्छा। तब खाली रंग भटक रहा हूँ। तो चंद राजाओं ने मोट में 360 गाँव चढ़ाए और इधर पूजा की व्यवस्था की। जागनाथ जी के जो पुजारी हैं मुख्य मंदिर के, हमको महाराष्ट्र से लाए चंद राजा। हाँ जी। और ये महामृत्युंजय के जो पुजारी हैं उनको काशी बनारस से लाए, और वो भी भट हैं, हम भी भट हैं। अच्छा। तो वो इसलिए कि चंद राजाओं की व्यवस्था हुई, हमको कोई श्वास होगी ग्रस्त में होता ही है। हाँ जी, तो वो पूजा करेंगे जागनाथ जी की। अच्छा। और उनको कोई श्वासूत हो जाएगी तो हम करेंगे महामृत्युंजय की। दो धड़े हैं, वो भी भट हैं, हम भी भट हैं, वो काशी है महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र 360 गांव गुरु में चढ़ाई चंद राजाओं ने। अच्छा। जो ये सांसद रहे उधर दिल्ली में नैनताल से काशीपुर से जेसीसी इनके पूर्व। अच्छा। इनके पूर्व। और बल्कि दो प्रतिमा हमने अंदर देखी, जो एक के हाथ में दीपक है, एक प्रतिज्ञा स्वरूप है। तो वो बीच और बोर्डर चंद्रवंशी राजा है। अच्छा। और उन्होंने गृहस्थ आगे को नहीं किया और उन्होंने कहा कभी भी हमारी यहाँ कैसे आएगी, अष्ट धातु की मूर्ति बना के इधर स्थापित किया। तो आपको कितने साल हो गए? आप मुझे तो मतलब ये बाबारों से चला, मुझे 75 हो गए। 75 साल हो गए। 18 साल से मैंने पूजा की मंदिर में। तो 75 की अवस्था है, वैसे बहुत पहले से बाप दादाओं से परदादाओं से ये परम पार्टी चली आ रही है। और भट परिवार ही यहाँ के पूजा है, दूसरी परिवार नहीं है। अच्छा। परिवार ही है, चाहे मृत्युंजय जो हो या जागनाथ जी। इस मेरा खूब ये सावन भर पूरा पूरे महीने मेला रहता है, पूरे सावन भर मेला रहता है। और महाशिवरात्रि को भी रहता है जी, महाशिवरात्रि को। उन्होंने मुझे बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें बताई, जैसे कि ये बड़े मंदिर पहले लकड़ी के काट के बनाए गए, फिर 7वीं से 8वीं सदी में ये पत्थर के बनाए गए, छोटे मंदिर 12वीं से 18वीं शताब्दी में कत्यूरी काल में बने, तब उस समय दो पंडितों को लाया गया, पहले पंडित महाराष्ट्र से मुख्य मंदिर के लिए, और जो महामृत्युंजय मंदिर के पुजारी थे उन्हें उस समय काशी बनारस से लाया गया। आगे उन्होंने बताया कि मुख्य मंदिर में जो दो बड़ी प्रतिमाएं हैं, जिनमें एक हाथ में दीपक व दूसरी प्रतिज्ञा स्वरूप खड़ी है, वो चंद राजाओं की है। जिस मूर्ति के हाथ में दीपक था वो राजा दीपचंद है। उन्होंने अपना नाम नंबर दिया और फिर मैं आगे को निकल गई। अब मुख्य मंदिर में भीड़ कम थी तो मैंने वहां के दर्शन कर लिए। अंदर की वीडियोग्राफी मना थी तो मैंने बाहर से ही ऐसे ही अंदर की वीडियो बना ली। पहले पुजारी जी ने मंदिर के जिस स्थान पर विवाह मूवी की शूटिंग हुई थी उसके बारे में बताया था, तो मैं भी थोड़ा फिल्मी मूड में आ गई। अब टाइम था मंदिर से ऊपर जाने का। मंदिर के ऊपरी हिस्से में एक बहुत बड़ा एरिया है जहां से पूरे जागेश्वर धाम के दर्शन होते हैं। यहां पर बैठने के लिए पत्थर के बहुत सारे बेंचेस भी लगाए गए हैं। उस समय यह एरिया पूरा खाली था तो मैं वहां बैठ गई। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उसके सामने श्री बटुक भैरव मंदिर है। यहाँ मंदिर परिसर की परिक्रमा के अनुसार इस बटुक भैरव मंदिर के दर्शन आपको
कमल कुंड के बाद 15वें नंबर पर करना होता है। अब मैं मंदिर परिसर से बाहर निकल आई। मुख्य द्वार के बाहर दुकानों की एक लंबी लाइन दिखती है, जहां से आप मंदिर की याद में कुछ ले सकते हैं। मैं भी छोटी मोटी शॉपिंग के लिए कई दुकानों में गई। यहां आप रुद्राक्ष की छोटी लंबी मालाएं, शॉल, पूजा का सामान, ब्रेसलेट, तरह तरह के मंगल धागे, कानों के झुमके, अंगूठियां, गाड़ियों में आगे से लगाने के लिए छोटी मूर्तियां आदि ले सकते हैं। इस मार्केट से बाहर आते ही आपको बाईं तरफ एक बहुत बड़ा पार्क दिखता है, जो कि जाट गंगा को पार करके है। वहां जाने के लिए पहले सीढ़ियां और फिर एक पुल पार करना होता है। अगर आप थके हों तो वहां बैठ सकते हैं। तो अभी अभी मैं जागेश्वर धाम के दर्शन करके आई हूँ। जागेश्वर धाम के पास ही एक पार्क बना हुआ है और उसी के बगल में जो एक नदी बह रही है, तो मैं थोड़ी देर यहाँ सुस्ताने के लिए आ गई हूँ। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एक छोटा सा मार्केट है, जहाँ से आप खुद की चीज़ें खरीद सकते हैं मंदिर की याद में। और मंदिर से आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे पार्किंग के लिए बना है, तो अगर आप अपनी गाड़ी से यहाँ आ रहे हैं तो इजी आप यहाँ पे इसे पार्क कर सकते हैं। और ये पूरे देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है मंदिर। ये चारों तरफ आप जहाँ तक नजर जाएगी सारे देवदार के पेड़ दिखाई देंगे, और बीच में वो रहा जागेश्वर धाम। अब टाइम था वापस जाने का। अगर आप पीस और भक्ति की तलाश में हैं, तो जागेश्वर धाम के दर्शन कभी ना कभी जरूर करें। यकीनन ये स्थान अपनी खूबियों की वजह से आपको आश्चर्य में डाल देगा। जागेश्वर धाम का वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो और एक नई डेस्टिनेशन के साथ।